आज बाजार में क्लियरली आपको अर्निंग बेस्ड ट्रिगर आज भी देखने को मिला, अच्छा पुलबैक हमने देखा, हालांकि गेन्स जरूर इरोड हुए हैं। अब आप देखें तो बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी कर रहा है और 19600 के पास फिर से आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है। स्मार्ट रिकवरी जरूर दिखाई दी थी, लेकिन पिछले 15-20 मिनट में गेन्स इरोड भी कई सारे स्पेसेस में हैं। ऑटो स्टॉक्स कई सारे जो अच्छी तेजी के साथ आज चले, उनमें बजाज ऑटो क्योंकि वहाँ नंबर्स अच्छे आए, उसी रब ऑफ में हीरो मोटोकॉर्प, टू व्हीलर स्पेस का ये स्पेस है, आपको याद होगा टीवीएस मोटर, वहाँ पर भी कई दिनों से अच्छी मूव बनी हुई है, तो इस स्पेस में अच्छी वाइब्रेंस आपको दिखाई दे रही है। दूसरा स्पेस जो अच्छा दिखा, क्योंकि बैंक्स ऑफ फाइनेंस से थोड़ी रिकवरी आई, हालांकि अभी कुछ गेंस इरोड भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आप टॉप काउंटर्स में अगर आप देखें तो दूसरे जो काउंटर्स हैं उसमें नेस्ले, वहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आए, डिविडेंड कंपनी ने दिया, स्टॉक स्प्लिट की स्टॉक स्प्लिट किया और साथ ही ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिली, वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो हमेशा एक बड़ा ट्रिगर रहता है एफएमसीजी में, उसके चलते आपने नेस्ले जैसे स्टॉक को 3.5% तो हैवी वेट्स हैं ये आपने पैक्स के, उनमें अब मूव देखने को मिली। बजाज फिनेंस, फिनसर्व, ये थोड़े से इम्प्रूव होके ऊपर आए और दूसरे जो काउंटर्स ऊपर आए उनमें इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स, अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते रिलेटिवली एक लोअर बेस था जिसके चलते आपने देखा कि वहां पर भी अच्छे इंप्रूवमेंट हुई। और गिरने वाले काउंटर्स आज कौन से थे, क्लियरली जहां पर नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे उनमें एक बार भी रिकवरी देखने को मिली। विप्रो आप देखें सुबह से ही वीक रहा और वीक 3% की गिराव के साथ ही बंद हो रहे हैं, रेवेन्यू गाइडेंस भी उन्होंने कट किया आगे के लिए। आज बाजार में डिफेंसिव बेट्स भी नहीं चली, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे लार्ज कैप फार्मा, चाहे सन फार्मा हो, डीवीज हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, उनमें मूव थी, लेकिन आज वो क्लियरली लगाट थे। आज मेटल स्टॉक्स भी लगाट थे और आप स्टॉक्स देखें हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स हो, स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हो, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स हो, थोड़े से लगाट ही बिहेव किए। इनफैक्ट जहाँ जहाँ थोड़ी प्रॉफिट्स बन चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, वो भी थोड़े से लगाट दिखाई दिए। यूपीएल जैसे काउंटर फिर से अब 610 के पास, 630 तक आ चुके थे। केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में जब मूव दिखी एग्रोकेमिकल, और इसको प्रेशर एक्चुअली ओवरसीज मार्केट से भी आता है और अब अर्निंग बैक्ड ये मूव्स भी हैं, तो एक रेंज में ही आपको एक कैप्ड मूव ही दिखाई दी यूपीएल में, अब फिर से आप 610 के तरफ वापस लौटते हुए दिखाई दिए। मिड कैप मार्केट में कहाँ अच्छी मूव थी, एस्ट्रल के नंबर्स अच्छे थे लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिखाई दी, 5.5% की दबाव वहाँ दिखा। गैस काउंटर्स चल चुके थे उनमें आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी, इनफैक्ट पॉलीकैप में भी 2% की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है और कुछ दूसरे आईटी काउंटर्स में भी। इनफैक्ट मिड कैप आईटी, हम यही बात करते हैं कि बहुत डिफरेंट व्यू है, जहाँ जहाँ रेवेन्यू गाइडेंस नहीं कट हुई है सेकेंड हाफ के लिए या फिर विजिबिलिटी ठीक दिख रही है, उन स्पेसेस में कोई दिक्कत नहीं है। परसिस्टेंट को फोर्ड जैसे काउंटर्स को आप देखें तो फैशन रिटेल काउंटर्स, टेक्सटाइल काउंटर्स, ये कुछ पॉकेट्स, सब पॉकेट्स की अगर बात करें वहाँ पर आपको मूव दिखाई दी। और इनफैक्ट एनर्जी पैक के जेएसडब्ल्यू जैसे स्टॉक भी लगातार मूव पर हैं, इनमें भी आप देखें तो वो जो पूरी पावर, एनर्जी, ऑयल एंड गैस के कैपेक्स वैल्यू चेन से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उन सब में आपने कहीं ज़्यादा गिरावट देखी ही नहीं है इन सारी मूव में भी। स्मॉल कैप के जो काउंटर्स थे जहाँ पर आज फिर से आपको 10% के लोअर सर्किट पे एमएमटीसी टॉप लूजर रहा, यूटीआई एएमसी यहाँ नंबर्स आए थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़े से वीक थे। इनफैक्ट पीवीआर आयोनॉक्स कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स थे लेकिन 2% की गिरावट यहाँ देखी, काउंटर काफ़ी चला भी है, 1400 से आप देखें 1700 आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन दूसरी मूव अच्छी कहाँ मूव दिखाई दी आपको, एनबीसीसी जैसे काउंटर्स में, फर्स्ट सोर्स जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिखाई दी, बैंक्स में आरबीएल बैंक जैसे काउंटर्स जो अच्छे चल रहे हैं, जिनके नंबर्स भी अच्छे एंटिसिपेटेड हैं, वहाँ पर अच्छी मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल बाजार में दोनों तरह के ट्रेड दिखे। मॉर्निंग में आपको हालांकि फर्दर शॉर्ट का मौका तो नहीं मिला लेकिन रिकवरी प्ले अच्छा दिखा और उसके बाद उस रिकवरी को बाजार में जो गेंस थे वो थोड़े इरोड भी हुए, तो थोड़े से वहाँ से शॉर्ट का भी मौका मिला ट्रेडर्स को, लेकिन एक्सपायरी मूव था, दोनों तरह की मूव पॉसिबल थी। और अब देखना होगा कि ये लास्ट हफ्ता भी होगा इस मंथ का, कल से जो शुक्रवार से जो शुरू होगा नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, तो किस तरह की पोजीशन दिखती है। अक्टूबर का लास्ट भी, क्योंकि सितंबर वीक रहा लेकिन अक्टूबर भी अभी तक आप देखें तो बहुत बड़े गेंस नहीं दिखे हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार में आज 19600 को जरूर अभी प्रोटेक्ट किया है, निफ्टी 19600 के ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है और 43800 के पास, इनफैक्ट 43750 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है।